शादी के समय जब वो मंडप में लड़की दुल्हन बनकर बैठी तो वो खरगोश वहीं वहीं कूदे आसपास आके सब चीजें डिस्टर्ब करे। तो किसी ने कहा भाई ये खरगोश को हटाओ, ये क्या है ये। तो किसी बुजुर्ग ने उस खरगोश के ऊपर उसको कन्फाइन करने के लिए टोकनी रख दी उल्टी करके। टोकनी समझते हो आप, मांस की बनी हुई, तो सांस भी लेता रहे और उछल कूद नहीं करे, तो ऐसे उल्टी टोकनी रख दी। उसने वो टोकनी उल्टा दी, उसमें वजन नहीं था, तो बड़ी परेशानी। किसी ने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कुछ वजनदार चीज रखो वो टोकनी पे, नहीं तो वो उल्टा देगा। तो वो टोकनी के ऊपर एक चक्की रख दी, पत्थर की चक्की होती थी, आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं। तो उल्टी टोकनी के ऊपर चक्की रख दी, तो वो खरगोश कन्फाइंड हो गया ना। अब जितने लोग उस विवाह में आए मेहमान लोग, वो सब पूछे ये क्या है, ये टोकनी है उसके अंदर खरगोश है। अच्छा होगी कोई परंपरा कि दुल्हन के शादी में दुल्हन के बगल में एक टोकनी, उसके अंदर खरगोश, उसके ऊपर चक्की। थोड़े साल बाद उस लड़की की छोटी बहन की शादी तय हो गई, वो भी दुल्हन बन के आई, पर उसने खरगोश नहीं पाला था। पर बड़े बुजुर्गों ने कहा अरे भाई वो खरगोश टोकनी और चक्की कहाँ है, वो रखो, वो परंपरा है, नहीं तो शादी में अपशकुन हो जाएगा। लो बन गई परंपरा। अब आप पूछो किसी से लॉजिक, ये सब टोकनी खरगोश और चक्की का क्या वजह, बात नहीं करने का, देखो अपशकुन होता है, ये जरूरी है शादी के लिए। आई एम मेकिंग इट लिटल फनी, बट आई डोंट नो वेदर ऑल परंपराज आर लाइक दिस क्रिएटेड और देर इज सम लॉजिक इन सम परंपरा, बट आई कीप ट्राइंग टू फाइंड आउट। और जब तक मुझे किसी कस्टम का, किसी ट्रेडिशन का लॉजिक नहीं मिलता, पता नहीं क्यों उस रिचुअल को फॉलो करने में बिलीफ नहीं आता। डरा धमका के करा दिया जाता है, कर लेता हूं। बचपन में माँ के आगे बोल नहीं पाता था, चुपचाप करो, और वो स्थिति अभी पत्नी ने ले ली है। क्या है आपका हर चीज, और चुपचाप करिए, ओके। पता है कुछ साल पहले गणेश जी दूध पीने लगे थे, सुना था आपने? कुछ साल पहले ऐसा एक अचानक से हवा उड़ गई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। हाँ 95 बहुत साल हो गए, पता नहीं आप में से कुछ लोग होंगे भी उस वक्त पैदा ही नहीं होंगे, लेकिन आपको जान के मजा आएगा कि मैंने दूध पिलाया है। और क्यों पिलाया है, क्योंकि मेरे सारे भाइयों ने मेरी माँ से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। और पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था मेरी मदर को मेरे ऊपर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा राजा बेटा मुझे ले जाएगा, चलो बेटा, हाँ हाँ चलिए चलिए। तो मुझे लगा सिर्फ ले जाना है मंदिर तक, तो कार में बैठा के मैं ले गया, वो उतर के गई और पूरी तसल्ली से, पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ वापस गाड़ी में आई, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी कटोरी पी गए। तो मैंने कहा वाह बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं बेटा एक बात आ रहा है, तुम भी पिला दो। मैंने कहा माँ क्या बोल रहे हैं बेटा, प्लीज। तो पिलाए, इसलिए नहीं कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरे लॉजिक में बैठ रहा है, इसलिए कि मुझे अपनी माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, उनका बिलीफ है ना। चलो इसी तरह परंपराएं फॉलो लोग करते रहते हैं। बहुत से लोगों को लॉजिकली नहीं पटता है, पर बोलते हैं चलो उनको बुरा नहीं लग जाए, रख दो भाई टोकनी खरगोश तक की। तो जिसने, जिस लड़की ने खरगोश पाला ही नहीं, उसके ब्याह में भी खरगोश ला के खरीद के लाए, रुका रहा ब्याह, ला ला खरगोश लाओ, ऐसे कैसे ब्याह हो जाएगा। तो गए मार्केट से खरीद के लाए, खरगोश लाए, टोपी लाए, चक्की लाए, होने दो। बट दीज आर हाउ द ट्रेडिशंस बिकम, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज भी आप बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाते। मैंने भी लॉजिक फाइंड किया कि बिल्ली से क्या है, इतनी सारी बिल्लियां हैं शहर में,
आए दिन रास्ता कट रहा है। तो किसी जमाने में ऐसा मुझे पता चला कि बिल्ली इज कॉल्ड शेर की मौसी, और अगर बिल्ली कहीं दौड़ भाग कर रही है मतलब शेर आसपास है, इट इज फॉलोइंग। तो रुक जाओ, जरा गौर फरमाओ, शेर नहीं है तो आगे बढ़ो। अभी कहाँ शेर, यहाँ तो सब चूहे घूम रहे हैं पूरे मुंबई शहर में। बिल्ली निकली, रुक जाओ। कुछ परंपरा मैंने सुनी, छींक आ जाए बैठ जा, तुरंत नहीं जाना। अब जिसके सर्दी हो गई वो तो बेचारा बैठ ही रह जाएगा, जितनी बार छींक बैठ जा। पर उसका लॉजिक फाइंड आउट किया तो मालूम पड़ा, छींक आने पर बॉडी के जो तंत्र हैं वो हिल जाते हैं। कोई भी आदमी ऐसे मन ही मन छींक नहीं ले सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, जोर से लेना पड़ता, सब हिल जाता है। तो वो कहते हैं भाई एक मिनट रिलैक्स, लेट द बॉडी कम अंडर कंट्रोल, देन मूव। तो कुछ लॉजिक्स मिले, ठीक है, बहुत सी चीज़ों के नहीं मिले, पर ढूंढ रहा हूँ, अगली बार आऊँगा कुछ और बता दूंगा, ठीक है ना। यू ऑल्सो कीप फाइंडिंग एंड एनलाइटन मी। अब आगे बढ़ते हैं कि इन सोर्सेज के आधार पर जो परंपराएं बनी, जो कॉन्डक्ट के ट्रेडिशन, मिताक्षर दाय भाग मैंने आपको बताए, उसमें और एक फर्क है मिताक्षर और दाय भाग में। मिताक्षर बच्चे की बर्थ से उसका राइट प्रॉपर्टी पर क्रिएट करता है। इनफैक्ट इवन एन अनबोर्न चाइल्ड हु इज लाइकली टू बी बॉर्न एंड बॉर्न अलाइव, द मोमेंट ही इज बॉर्न उसका राइट प्रॉपर्टी पर, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर बन जाता है। दाय भाग में ऐसा नहीं, दाय भाग में जो करता है या जो फादर फिगर है उसकी डेथ के बाद जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनका राइट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर बनता है, बर्थ से नहीं बनता। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन मिताक्षर एंड दाय भाग इज, वन क्रिएट्स राइट विद बर्थ, जिस दिन पैदा हो गया उसी दिन से शेयर बन गया, और दाय भाग में फादर फिगर के डेथ के दिन जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनका शेयर बनता है। तो इससे फर्क क्या होता है, दाय भाग का जो प्रॉपर्टी शेयर है वो फिक्स्ड होता है, वेयर एज मिताक्षर का जो प्रॉपर्टी शेयर है वो फ्लक्चुएटिंग है। कैसे फ्लक्चुएटिंग है, ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो शेयर कम होता जा रहा है ना, लोग ज्यादा शेयर कम होता जा रहा है, ज्यादा लोग मर गए फैमिली में तो शेयर बढ़ रहा है, इज़न्ट इट? 10 लोग हैं तो 10 शेयर, उसमें से 2 लोगों की डेथ हो गई तो 8 शेयर, 3 बच्चे पैदा हो गए तो 11 शेयर। तो जब लार्जर पीपल लेसर शेयर, लेस पीपल मोर शेयर, तो मिताक्षर का शेयर फ्लक्चुएट होता है, दाय भाग का फ्लक्चुएट नहीं होता। जितने लोग हैं वो हैं, जिस दिन फादर डेथ होगी उतने शेयर डिवाइड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब एक और बहुत बड़ा जो एरिया है अनकोडिफाइड या प्री कोडिफाइड जो हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उसका, वो है मैरिज। ये तो मैंने अभी आपको आधार बताया हिंदुइज्म के कहां से उत्पन्न हुआ, लेकिन जो वक्त के साथ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, भाष्य, टीका, स्मृतियां बनी, उसमें एक बहुत बड़ा एरिया है विवाह, जो कि एक हिंदू के जीवन का एक संस्कार माना जाता है। अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक हिंदू के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार। और 16 संस्कार आपको जानकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, डेथ पर खत्म नहीं होते। मतलब जीवन के 16 संस्कार एक मनुष्य के डेथ पर खत्म नहीं होते,
कुछ संस्कार डेथ के बाद होते हैं जो आपके नाम पर होते हैं पर आप नहीं करते हैं, जैसे पिंडदान, दाह संस्कार। दाह संस्कार सुना है? तो दाह संस्कार खुद तो कर नहीं सकते, कोई दूसरा करता है। है आपका संस्कार, आपके नाम पर संस्कार हो रहा है, पर कर कोई दूसरा रहा है। तो 16 संस्कार बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि 16 के 16 संस्कार आपके जीवन में नहीं होते हैं। तो कभी ट्राई भी मत करना, मैं पूरे 16 संस्कार खुद कर, मत कर, हो गए। हाँ, तो उनमें से एक संस्कार है विवाह संस्कार। और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका इतिहास है कि विवाह संस्कार शुरू कैसे हुआ, क्योंकि प्राचीनतम प्राणी जो था वो तो एनिमल लिविंग करता था, जिसके साथ समझ में आया दोस्ती बनाता था, जिससे नहीं समझ में आया दोस्ती तोड़ लेता था। तो ये जो विवाह संस्कार है, अगर आप एनिमल लिविंग कल्पना करना चाहें तो आज के एनिमल को भी देख लीजिए, कहाँ विवाह हो रहा है किसी का, हो रहा है क्या कि भाई आज हमारे भैंस का विवाह है, गाय का है, कुत्ते का है, नहीं हो रहा है। तो व्हेन ह्यूमंस वर लिविंग एनिमल लाइफ तो विवाह संस्कार नहीं था। ये श्रुतियां स्मृतियां जो स्कॉलर्स ने ग्रेजुअली समाज में एक डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए, सिस्टम लाने के लिए जो कोड बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट, तो विवाह की उत्पत्ति हुई। और सबसे मजे की बात यह है कि विवाह की उत्पत्ति का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर आज जो है वो तब नहीं था। आज क्या है विवाह का आधार, कोई बताए? क्यों आप किसी से विवाह करना चाहते हैं? आज का बेसिस क्या है? मोहब्बत, इश्क, प्यार। मुझे ये आदमी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इससे विवाह कर लेता हूं, ठीक। तब ऐसा नहीं था। प्यार, मोहब्बत, इश्क वॉज नॉट द क्राइटेरिया फॉर विवाह। द क्राइटेरिया वॉज टू